Good morning, I am Ravindra Kumar. BCOM Semester 1 के इस थर्ड लेक्चर में आज हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस और इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस मतलब व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय का महत्व इस पर चर्चा करेंगे. अब बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम बिजीनेस. It means keeping oneself occupied with one or the other work, but it is much more than just being busy. Normally, हम ये business शब्द जो है वो busyness से लिया गया है, व्यस्त होना, यानी अपने आप को एक या दूसरे किसी काम के साथ व्यस्त रखना. लेकिन वास्तव में व्यवसाय सिर्फ व्यस्त होने से कहीं अधिक है. व्यस्त हम किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम व्यस्त हैं, लेकिन बिजनेस या व्यवसाय सिर्फ व्यस्त होना नहीं है. सामान्य तौर पर व्यवसाय वस्तु के निर्माण, उत्पादों के पुनर्विकास, सेवाएं प्रदान करने या एक साथ तीनों के माध्यम से उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करके लाभ कमाने की एक नियमित प्रक्रिया है. यह एक व्यवसाय है जिसके लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कौशल और विशेषज्ञता की सहायता से अधिकतम लाभ कमाने की आवश्यकता होती है. अब हम नेचर ऑफ बिजनेस को इन बिंदुओं से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे. टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ बिजनेस इज वी मस्ट गो थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स. पहला पॉइंट है रेगुलर प्रोसेस, नियमित क्रिया. अब यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे लाभ उत्पन्न करने के लिए बार बार किया जाता है. यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे लाभ उत्पन्न करने के लिए बार बार किया जाता है. मतलब बिजनेस में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो रेगुलर होना चाहिए. एक बार कुछ हमने कर लिया तो शायद वो बिजनेस नहीं कहा जाएगा. दूसरा पॉइंट है आर्थिक गतिविधि. व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य अधिकतम धन कमाना या लाभ कमाना होता है. लाभ के माध्यम से हम धन ही कमाते हैं, तो एकमात्र उद्देश्य अधिकतम धन कमाना होता है. तीसरा पॉइंट है क्रिएट यूटिलिटी, उपयोगिता सृजन. वस्तु या सेवा ऐसी होनी चाहिए जो उपयोगी हो या उसे उपयोगी बनाया जा सके. उत्पादों को एक उपभोज्य मतलब कंज्यूमिंग रूप में परिवर्तित करना समय की उपयोगिता. जब जरूरत हो तब सामान और सेवाएं उपलब्ध कराना. और जगह की उपयोगिता के रूप में अगर देखें तो उपभोक्ताओं के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो वस्तुओं या सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो वास्तव में ये बिजनेस का जो मुख्य उद्देश्य है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करता है. चौथा बिंदु है पूंजी की आवश्यकता. किसी भी इंटरप्राइज में या किसी भी व्यवसाय में, उद्योग में, को आकार या उसके प्रकार के आधार पर फंड की आवश्यकता होती है. मतलब किस आकार का हमारा व्यवसाय है या किस प्रकार का है. प्रकार का मतलब कि वो टीवी बेचता है, वो फ्रिज बेचता है, या आलू प्याज बेचता है, या ऐसी ही कुछ और चीज़ें बेचता है. तो जिस प्रकार का व्यवसाय होगा उसी आधार पर पूंजी की आवश्यकता उसको पड़ती है, या उसके आकार के अनुरूप. फिर ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, प्रकार और आकार. पांचवा पॉइंट है
डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा में व्यवहार। यह विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री या खान पान सेवाओं के लिए माल के या वस्तु के पेशकश से संबंधित है। मतलब या तो ये सामान खरीदता बेचता है और या फिर सेवा बेचता है। तो सामान जो बेचता है वो मैन्युफैक्चर किया हुआ होता है और या फिर खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो ये बराबर इन चीज़ों से संबंधित व्यवहार करता है। डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, इसका व्यवहार बराबर सामान की बिक्री या फिर सेवा, उसमें कुछ भी आ सकता है, पोस्टल सर्विसेज हैं, हम यात्रा करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ये जिस प्रकार की भी चीज़ है जिसको सेवा की कैटेगरी में लेते हैं, जो हम खरीदते नहीं हैं, हम सिर्फ उसकी सेवा प्राप्त करते हैं। छठा पॉइंट है जोखिम, रिस्क। सभी व्यवसाय में असफलता और हानि ये बिल्कुल जुड़ी हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो व्यवसाय के क्षेत्र में है तो उसे हानि नहीं हो पाएगी या उसे असफलता नहीं देखनी पड़ेगी। ये एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है और हर व्यवसाय के सामने ये रिस्क रहता है कि वो कब किन परिस्थितियों में हानि झेलना पड़ेगा उसे या उसे असफल होना पड़ेगा। ये परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं मार्केट की कि ये ऐसी स्थितियों को पैदा कर देती है। सातवां बिंदु है प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, लाभार्जन का उद्देश्य। एक व्यवसायी की शुरुआती एक व्यवसायी का शुरुआती मकसद बराबर अपने उद्यम से, अपने इंटरप्राइज से, अपने इंडस्ट्री से, अपने व्यवसाय से लाभ कमाना होता है। अगर लाभार्जन नहीं है तो इसका मतलब वो व्यवसाय नहीं है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होना चाहिए किसी भी व्यवसाय में, तभी उसको हम व्यवसाय कह सकते हैं। आठवां पॉइंट है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड, उपभोक्ता के आवश्यकता की संतुष्टि। व्यवसाय उपभोक्ता की मांगों और आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित है। जब भी हम व्यवसाय करते हैं तो उपभोक्ता की क्या ज़रूरत है, क्या डिमांड है उसका, उसकी क्या आवश्यकता है। हम अगर उससे इतर, उससे अलग हटकर चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध कराएंगे तो शायद व्यवसाय का जो मकसद है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए कि व्यक्ति उन सामानों को लेंगे नहीं, जो कंज्यूमर्स हैं वो उन सामानों को नहीं लेंगे। उनकी जो मांग है और जो उनकी आवश्यकता है, हमको उसे ध्यान में रख करके प्रोडक्ट मार्केट में लाना होगा। ये उसी की पूर्ति से संबंधित है। अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यवसाय का मकसद समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेता एवं विक्रेता की सहभागिता, इन्वॉल्व्स बायर एंड सेलर। इसमें व्यवसाय में मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं, एक ग्राहक होता है और एक व्यापारी होता है। इन दोनों में से अगर कोई एक मिसिंग है या नहीं है तो व्यवसाय का मकसद समाप्त हो जाता है। इसलिए कि बिना ग्राहक के किसी व्यापार या व्यवसाय का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक व्यापार और दूसरा ग्राहक, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ग्राहक है और व्यापारी नहीं है तो भी व्यवसाय नहीं हो पाएगा, व्यवसायी है और ग्राहक है तो भी व्यवसाय नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों की उपस्थिति अपरिहार्य है, मतलब इसे टाला नहीं जा सकता, इसे नकारा नहीं जा सकता। दसवां पॉइंट है सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक दायित्व। इसमें कुछ सामाजिक जिम्मेवारियां भी होती हैं,
जैसे बिजनेस जो होता है वो नौकरी के अवसर पैदा करता है, उचित मूल्य पर बेहतर सामान उपलब्ध कराता है, लाइसेंसी उत्पादों को बेचता है और ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो वो सामाजिक दायित्व के रूप में करता है। अब जो राशन दुकानदार हैं, जो सरकारी राशन दुकान होते हैं, वो लाइसेंसी होते हैं और उनको वो सामान जनता के बीच में बांटना पहुंचाना उनका एक सामाजिक दायित्व है। वो अन्य व्यापार भी करते होंगे लेकिन ये वो सामाजिक दायित्व के रूप में करते हैं जिसमें बहुत कम मुनाफा उन्हें मिलता है। इसी तरह से कई और चीज़ें हैं जो ग्राहकों तक पहुंचाना व्यापारियों का दायित्व बन जाता है, सामाजिक दायित्व बन जाता है। दायित्व तो वो निभाते ही हैं लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेवारियों का भी वो निष्पादन करते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यापार और व्यवसाय जितना बढ़ेगा नौकरी के अवसर उतने ज़्यादा पैदा होंगे। उचित मूल्य पर बेहतर सामान उपलब्ध कराना ये भी एक सामाजिक दायित्व है। मूल्य कुछ भी लें, सामान कुछ भी दें, ये आज के समय के लिए असंभव चीज़ है। तो उचित मूल्य पर बेहतर सामान उपलब्ध कराना आज की ज़रूरत है और ये सामाजिक दायित्व के तौर पर हर व्यवसायी करता है। अब जो उपर्युक्त विवरण, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन नाउ वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस विच इज़ अ रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्रिएट्स यूटिलिटी वाइल डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट एंड विल अर्न प्रॉफिट विथ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कंज्यूमर्स। जो कुछ भी हमने ऊपर देखा उससे व्यवसाय की प्रकृति पूर्णतः स्पष्ट है। जो एक नियमित आर्थिक गतिविधि है और वस्तु और सेवाओं में कार्यरत रहते हुए यह उपयोगिता का सृजन करती है, क्योंकि अगर उन चीज़ों में उपयोगिता ना हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, कोई उसे खरीदेगा नहीं। तो वस्तु और सेवाओं में कार्यरत रहते हुए उपयोगिता का सृजन करती है। पूंजी इसकी एक अनिवार्य आवश्यकता है और यह उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ लाभ अर्जित करती है। अब हम देखेंगे व्यवसाय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। सब कुछ इसी पर निर्भर है। पहला बिंदु है व्यवसाय के महत्व में कि यह राजस्व का सृजन करता है, रेवेन्यू जेनरेट करता है। यह व्यवसाय के स्वामी के लिए राजस्व का सृजन करने की कुंजी है, क्योंकि यह लाभ कमाता है और मालिक के लिए आय का स्रोत साबित होता है। जब हम व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय के द्वारा हम रेवेन्यू जेनरेट करते हैं क्योंकि हम लाभ कमाते हैं और यह हमारे लिए आय का स्रोत साबित होता है। स्पष्ट है। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। किसी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां व्यावसायिक गतिविधियां हो। अगर व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी तो देश का आर्थिक विकास असंभव है। किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि उच्च राजस्व का मतलब उच्च कर संग्रह। जितना राजस्व ज्यादा होगा कर का संग्रह उतना ही ज्यादा होगा, और कर का संग्रह जो है वो राजस्व है सरकारी, और तभी देश की आर्थिक समृद्धि संभव हो पाती है। इसलिए आर्थिक विकास आवश्यक है और यह तभी होगा जब व्यावसायिक कार्यकलाप, व्यावसायिक क्रियाएं देश में हों। तीसरा पॉइंट है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधार। अधिक औद्योगिक इकाइयों
और कंपनियों वाले देश में अगर हम देखेंगे तो रोजगार की दर और बेहतर जीवन स्तर स्पष्ट दिखाई देगा। जिन देशों में औद्योगिक इकाइयां कम हैं या कंपनियां कम हैं वहां पर रोजगार भी कम दिखाई देंगे और बेहतर जीवन स्तर भी उतना नहीं दिखाई देगा, ये स्पष्ट दिखेगा। जो भी देश जिस देश में गरीबी है, अशिक्षा है, उसके अगर अंदर हम प्रवेश करते हैं और चीज़ों का आकलन करते हैं तो हम ये पाएंगे कि गरीबी का कारण है कि वहाँ कंपनियाँ नहीं हैं, औद्योगिक इकाइयाँ नहीं हैं, और जब ये नहीं होंगी तो रोजगार का सृजन नहीं हो सकता है, और जब रोजगार का सृजन नहीं होगा तो लोगों का बेहतर जीवन स्तर की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जहाँ पर है वहाँ पर जीवन स्तर में सुधार, मतलब ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट स्पष्ट दिखाई देगा। चौथा पॉइंट है बल्क प्रोडक्शन, मतलब थोक उत्पादन। नॉर्मली विनिर्माण इकाइयों, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो यूनिट्स होते हैं, में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और जब उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा तो वो अंततः उत्पादन की लागत को घटाता है। ये बहुत सिंपल फंडा है कि हम छोटे पैमाने पर अगर काम कर रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा लगता है, जब काम बड़े पैमाने पर करते हैं तो कॉस्ट घटता जाता है। बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें हैं, तो उसको हम लोग आगे निश्चित तौर पर देखेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि अगर बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है तो लागत कम होगी और लोगों को उचित मूल्य पर वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग इकाई बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे तो उत्पादन लागत कम होगा, और जब उत्पादन लागत कम होगा तो हमें वस्तुएं उचित मूल्य पर और रेगुलरली निरंतरता में मिलती रहेंगी। पांचवा पॉइंट, इनोवेशन, नवाचार, नवोन्मेष, इसका हिंदी रूपांतर है, सामान्यतः हम नवाचार इसको बोलते हैं। और नवाचार के लिए बहुत जरूरी है कि इसमें बुद्धिमत्ता और नए विचार शामिल हो। जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें दिमागी कसरत और नए विचार को बराबर जगह देनी चाहिए, क्योंकि जब नए विचार आएंगे, दिमाग उसमें लगाया जाएगा तो कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव रचनात्मक तैयार होगा, और हम पहले से जो उत्पाद बाजार में हैं उन्हीं उत्पादों में परिवर्तन करके, उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन करके, उनके आकार प्रकार में परिवर्तन करके उनको और अट्रैक्टिव बना देते हैं। ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी यहाँ पर काम आती है। और नवाचार ये शब्द है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग वस्तुएं हैं उसमें कुछ परिवर्तन करना। सिंपल सा एग्जांपल है, पहले वो पीला वाला बल्ब हर घर में इस्तेमाल होता था, अभी भी बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता होगा, लेकिन अब उसका रिप्लेसमेंट क्या है? पहले एक वो अभी जो रीसेंट है, अब उसका चेंजेस वो एलईडी बल्ब्स है, और ये एलईडी बल्ब उसी का रिप्लेसमेंट है, वही आकार प्रकार है, थोड़े आकार प्रकार में भी परिवर्तन संभव है, लेकिन काम उसका यही है कि वो कमरों में रोशनी देता है। तो ये इनोवेशन है। चश्मा हम लोग पहनते हैं, भारी भारी फ्रेम के चश्मे पहनते थे, आजकल हाफ फ्रेम और फ्रेमलेस चश्मे आते हैं, ये इनोवेशन है। टेलीविज़न, बड़े बड़े भारी भारी टेलीविज़न आते थे, आजकल पतले स्लीक से और दीवार पर टंग जाने वाले टेलीविज़न हैं जो हल्के से क्लैंप पर दीवार पर टंग जाते हैं, काम वही कर रहा है लेकिन ये इनोवेशन है। उसी चीज़ के आकार प्रकार गुणवत्ता में परिवर्तन करके हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जेनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार प्रदान करता है, रोजगार का सृजन करता है। इनफैक्ट यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जहां
जिसके लिए मानव संसाधन को सही ढंग से कार्य करने की आवश्यकता होती है। और जब मानव संसाधन सही ढंग से काम करेगा तो निश्चित तौर पर व्यवसाय जो है वो बढ़ेगा, और जब व्यवसाय बढ़ेगा तो वो नौकरी के अवसर प्रदान करेगा या पैदा करेगा, जेनरेट करेगा। इसीलिए कहा जाता है इट्स जेनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार का सृजन करता है। और रोजगार के सृजन का सीधा अर्थ है कि ये लॉन्ग टर्म में होता है, यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। और जब मानव संसाधन सही ढंग से किसी भी व्यवसाय में काम करेगा तो निश्चित तौर पर व्यवसाय की वृद्धि होगी, एक्सपेंशन होगा। और जब एक्सपेंशन होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर नए जॉब्स क्रिएट होंगे, नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे, और फिर लोगों को जो नौकरी मिलेगी उनका जीवन स्तर बेहतर बनेगा। तो इट्स जेनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट एक्सपेंशन, बाजार का विस्तार। यह एक अच्छी रणनीति और उच्च ग्राहक संतुष्टि से बाजार के विस्तार का लक्ष्य मजबूत ग्राहक आधार बनाकर करता है। पहली तो एक पहली चीज है कि यह रणनीति बनाता है, ग्राहकों को उच्च संतुष्टि प्राप्त हो इसको इंश्योर करता है, और इन सबके पीछे उसका लक्ष्य होता है कि एक मजबूत ग्राहक आधार, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस का निर्माण किया जा सके। और ये जब हो जाता है तो उसका बाजार असीमित हो जाता है, काफ़ी विस्तारित हो जाता है। और ये बिंदु जो हैं ये अपने आप में मार्केट एक्सपेंशन व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये इससे स्पष्ट है। अब हम इसके अंत पर आ गए, और ये कहता है कि इसको समराइज अगर करें तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन सर्च ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी आर ओपनिंग स्टार्टअप्स। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, इन द प्रेजेंट सिनेरियो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन सर्च ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी आर ओपनिंग स्टार्टअप्स दो मेनी ऑफ देम फेल द वंस विथ अ प्रॉपर बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड एक्सेलेंस इन देयर ऑपरेशंस टेंड टू सक्सीड। बिजनेस इज ऑल अबाउट डिराइविंग प्रॉफिट आउट ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एथिकली। द रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस बट टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज ऑल दैट यू नीड टू अचीव योर बिजनेस गोल्स। साधारण शब्द में अगर हम हिंदी में मैं इसे एक बार बता देता हूँ कि वर्तमान परिदृश्य में स्वतंत्र बनने और अपनी पहचान बनाने की तलाश में अधिकांश लोग नए व्यवसाय या स्टार्टअप्स जिनको आज कहते हैं खोल रहे हैं। हालांकि उनमें से कई असफल हो जाते हैं, लेकिन एक उचित व्यवसाय रणनीति और उसके संचालन में उत्कृष्टता वाले लोग निश्चित तौर पर सफल होते हैं और हो रहे हैं। व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं को नैतिक रूप से बेचने से लाभ प्राप्त करने के बारे में है। व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं को नैतिक रूप से बेचने की एक क्रिया है जिसके माध्यम से हम लाभ कमा सकते हैं या कमाते हैं। जोखिम किसी भी व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना आपको अपने व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। थैंक यू, वी विल मीट वेरी सून।